भी जलसे से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के जलसे से? आज का ये जो आज का जलसा तीन तलाक पे जो बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ है। राज्यसभा में वो बिल आने के पहले वापस होना चाहिए। हमारे धर्म में इंटरफेरेंस नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। ये डिमांड और लोग है, 10 करोड़ मुस्लिम औरतें इस बिल के का अपोज कर रहे हैं, इसलिए ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर ये सरकार बिल ना माने तो आप लोग क्या करेंगे? तो मोदी जी को भगा देंगे, वहाँ से उतार देंगे, 2019 में उतारी देंगे उनको, न रहेगा 5 बजे के पास। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश दे रहे हैं कि हम सब देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं, सबका धर्म है, सब अपने धर्म चलेंगे, भारतवर्ष जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, किसी के धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के इस देश के कानून को जिंदा रखें। जो नरेंद्र मोदी नया कानून लिख रहे हैं, नया कानून लिखने वाले के हाथ को पकड़ के उसके कलम को तोड़ दो, और देश का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है वही कानून देश में रहना चाहिए। उनकी बहुमत है और उन्होंने इस बिल को पास किया है, लेकिन राज्यसभा में ये बिल रुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें के बहुत सारे सांसदों को इस बात का पता ही नहीं था कि इस बिल में क्या है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके बहुत सारे मेंबर्स ने हिंदुस्तान भर में दौरा करके जो अलग अलग राज्यसभा के सांसद हैं उनसे मिलकर इस बिल के बारे में उनको बताया। जब सांसदों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका विरोध शुरू किया, और जब अभी संसद अभी तो चल नहीं रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा, और अगर ये राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो फिर ये कानून नहीं बनेगा। एक दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया के लोग या RSS या BJP के लोग कुछ मुस्लिम लेडीज देश की सड़कों पर प्रेजेंट करते हैं कि इस बिल के फेवर में बहुत सारी मुस्लिम खातून है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी कोई खातून नहीं है जो कभी इसका विरोध करे, क्योंकि वो इस्लाम में अगर है और इस्लाम को समझती है, दीन को जानती है, तो वो कभी इसके पे नहीं जाएगी। मैंने उस पर लोगों से ये कहा कि भाई बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, मुसलमानों में शराब पीना हराम है, सख्ती से मना है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम पीते हैं, तो क्या इस्लाम में शराब को जायज़ करार देगा? यकीनन नहीं देगा। तो उसी तरह से अगर कुछ खातून या कुछ तंजीमें इसके जो है फेवर में हैं, तो क्या करोड़ों बहनों के इस जज्बात को कोई इनकार कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हमारी बहनें जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान भर में एहतजाज कर रही हैं, यकीनन ये बिल जो है संसद के पटल से गायब होगा और ये कभी कानून में तब्दील नहीं होगा। अगर तब्दील नहीं हुआ, नहीं अगर नहीं हुआ तो एहतजाज है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच है, फिर अलग अलग केसेस हैं, फिर देखा जाएगा, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमारा हक है कि हम जमहूरी मुल्क में अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर आए, फिर संसद में है, फिर अलग अलग जगहों पर है, फिर जो होगा जो लीगली होगा उस पर कार्रवाई। सरकार की जो नीयत है उसको लक्ष्य उसको देख कर लगता नहीं है कि वो लोग इतनी आसानी से मानेंगे। लोकसभा में पास कराया, राज्यसभा में किसी वजह से और इलाज की वजह से रुक गया, वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरीके से राज्यसभा में अक्सरियत मिले, और राज्यसभा में अक्सरियत नहीं भी मिलती है तो चाहे वो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस होता है उसके ज़रिए से भी इस बिल को लागू करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं बाकी ताकतों को भी कहना चाहता हूँ कि आपने अगर कमर कस ली है तो आज हिंदुस्तान की हर मुस्लिम महिला ने भी आपने कमर कस ली है, और अब देखना है दोनों जिंदाबाद के खातिर में है, हर सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है दिल में है। अगर आपने पीछे न हटने की कसम खाई है तो हिंदुस्तान की सारी मुस्लिम महिलाओं ने भी आज पीछे न हटने की कसम खाई है।